नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम से एक सकत है। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पूजा मैम। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी MBA की हुई है और मैं स्टार्टिंग से ही स्कूल में शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। 9th क्लास में मैं आई थी और MBA करके ही यहाँ से निकली हूँ, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन मिलती है वो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं मिल सकती। और यहाँ पे गर्ल्स इतनी सेफ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाहर जाते हुए भी डर लगता है बाहर का माहौल देखे, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलता है। मैम, लोग कहते हैं यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते, क्या जवाब देना चाहिए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि एजुकेटेड लोग नहीं आते। यहाँ पे इतनी हाईली क्वालिफाइड बंदे आते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। और आगे वो ऐसे ऐसी सेवा करते हैं, झाड़ू लगाना, सीवर साफ करना, कि हम सोच नहीं। एक पायलट क्या मायने रखते हैं, वो भी एक सीवर साफ कर रही है, तो खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे कितने क्वालिफाइड बंदे आते हैं। और जो एरोप्लेन में भी जाते हैं सफाई अभियान में झाड़ू लेके, लोग सोचते हैं कि एरोप्लेन में बैठ के तो हम पता नहीं क्या बन गए, लेकिन उनके लिए सेवा से बढ़ के कुछ ही नहीं है। मैम, लड़कियाँ जो डेरे के अंदर आती हैं लगता है सुरक्षित है? आपने कहा स्कूल में पढ़े हो, कैसा माहौल था लड़कियों के लिए? बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों की तरह हमें रखते थे, और जो गुरु जी की जो शिक्षाएँ हैं वो तो कहने सुनने से परे हैं। वो हमारे टीचर्स को भी यही शिक्षा देते थे कि अपने ये जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं, क्या पता कितनी कितनी दूर से आए हुए हैं, लेकिन आपको इनको अपने बच्चों की तरह ही पालना है और ऐसे ही इनकी परवरिश करनी है। मैम, समाज में आज संत जी नहीं है, क्या बुराइयाँ बढ़ती नज़र आ रही हैं? बहुत बहुत बुरा हाल है। जब से संत जी गए हैं दुनिया में इतना ज़्यादा बुरा हाल हो, जैसे कोरोना महामारी को ही ले लो, हम उसका कोई तोड़ नहीं नज़र आ रहा है। कितनी वैक्सीनेशन आई है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अगर गुरु जी के वचनों पे चलें, काढ़ा पीते रहें, तो उससे बहुत फ़ायदा, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और गुरु जी के वचनों पे ही चल के हम इनसे बच सकते हैं। मानवता भलाई के लिए कुछ किए मैम संत जी ने? मानवता भलाई के लिए संत जी ने 134 मानवता भलाई कार्य चला रखे हैं, जिनके ऊपर चलते हुए आज समाज में बहुत सुधार। गुरु जी के जाने के बाद भी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं। एक बढ़ के जैसे महीने में हम राशन देते हैं, एक दिन भूखा रह के सफाई अभियान करते हैं, जरूरतमंदों को, जैसे अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे 18 अप्रैल को पोलियो का कैंप लगा था, जिसमें जो गरीब बंदे होते हैं जिनके पैर काम नहीं करते, पोलियो से ग्रस्त है, उनका फ्री में इलाज किया गया, उनको फ्री में कैलिपर्स वगैरह, व्हील चेयर वगैरह दी जाती है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत से मानवता भलाई कार्य हैं। जैसे अब खूनदान की जरूरत पड़ रही है सरकार को कोरोना का इलाज करने में, तो खूनदान भी कर रहे हैं। मैम, समाज में आज संत जी नहीं लगता है, ज़रूरत है उनकी आज समाज को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज अगर संत जी बाहर होंगे, सरकार को ये अपील है कि ऐसे निर्दोष संतों को ना वो अरेस्ट करें, उनकी सच्चाई जाने पहले, फिर ही कोई एक्शन उठाया करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साहा सत्ताम जी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ी हुई एक छात्रा है, जिनका कहना है कि मैं आज भी डेरे के अंदर आती हूँ और संत जी ने जो कार्य किए हैं वो कोई भी मानवता भलाई के कार्य इतने कोई भी संस्था नहीं कर पाई है। फिर आखिर इतने एलिगेशंस क्यों? क्यों समाज का नुकसान किया जा रहा है? संत जी पे एलिगेशन लगा के बदनाम किया उन्हें करके, मीडिया चैनलों पर लगातार खबरें दिखाई गई, मगर सूत्रों के हवाले से कोई भी व्यक्तिगत रूप से आखिर सामने क्यों नहीं आता? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।